अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बढ़िया से खीमे और आलू के कटलेट्स बनाने जा रही हूँ। तो जिसके लिए देखिए, ये कुछ चीज़ें ले ली हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं आलू ले ली हूँ, ये 1.5 किलो आलू है, और इसको इस तरीके से मोटे मोटे पीसेस में कट कर ली हूँ। ऐसा कट करने से आलू बहुत जल्दी से गल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आलू को गला लूंगी। और यहाँ पे देखिए, खीमा ले ली हूँ मैं, ये 1.25 किलो खीमा है। आप लोग चाहे तो सेम रेसिपी चिकन के खीमे में या बीफ में भी बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, कुछ हरा मसाला, कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्च, 2 मीडियम साइज की प्याज और 2 नींबू ले ली हूँ। तो सबसे पहले मैं आलू को गला लूंगी। नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून फुल। तो नमक डाल दियो। अब ढक्कन लगा के इसको कम से कम 5 सीटी ले लेना है। और ये जब तक आलू गलते हैं, मैं प्याज को चॉपर की मदद से चॉप कर लूंगी। तो यहाँ पे देखिए, ये प्याज को मैं अच्छे से चॉप कर ली हूँ चॉपर की मदद से। और यहाँ पे देखिए, एक टोस्ट का पैकेट ली हूँ मैं, छोटा वाला। अगर आप लोग के पास ब्रेड है तो 3-4 ब्रेड के स्लाइस भी ले सकते हैं। तो मैं इस तरीके से, ये टोस्ट का एक पैकेट था मेरे पास, ये ले ली हूँ। और इसको एक ग्राइंड कर लूंगी मैं, और इसका अच्छा सा एक ब्रेड क्रम्स जैसा एक पाउडर बना लूंगी। तो इसको अब अच्छे से पीस लूंगी। तो ये देखिए, का एक फाइन सा पाउडर बना ली हूँ मैं। और इससे क्या है, कटलीस में बाइंडिंग अच्छी होती है और क्रिस्पी और बहुत अच्छे कटलीस बनते हैं। तो आप लोग इस तरीके से ब्रेड को भी पीस सकते हैं। तो जब तक आलू अच्छे से गल जाते हैं, मैं दूसरे कुकर में खीमे को गला लूंगी। और इसको सिर्फ 2 सीटी लूंगी मैं, थोड़ी सी हल्दी और नमक डालकर। नमक 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून, और 1/2 गिलास पानी डाल के खीमे को अच्छे से गला लूंगी मैं। तो एक खीमा गलाने के लिए रख दी हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए, एक पैन ले ली हूँ खीमा बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं प्याज को फ्राई कर लूंगी। मैं तेल डाल दे रही हूँ मैं। तीन बड़े चम्मच ये जो प्याज को मैं चॉप करी थी वो भी इसमें डाल दूंगी। और इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए, प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है। तो खीमा देखते हैं, खीमा भी अच्छे से गल गया है, ये देखिए। तो इस तरीके से इतना ब्राउन कर लेना है प्याज को। अब इसमें मैं खीमा डाल दूंगी। तो अब इसमें बाकी की चीजें डाल के इसको अच्छे से भून लेना है। मैं बाकी की सब चीजें डाल दूंगी मैं। तो हरी मिर्च छोटे छोटे इस तरीके से टुकड़ों में कट करके डालनी है। अगर आप लोग के पास छोटे बच्चे हैं या बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो स्किप भी कर सकते।
और नमक मैं कीमे में डाल दी थी इसलिए थोड़ा सा ही नमक डालूंगी। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए इसमें। लाल मिर्ची, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्ची मैं 2 टीस्पून फुल डाल रही हूँ। गरम मसाला 1/2 टीस्पून और कोथमीर और पुदीना। और एक नींबू डाल रही हूँ मैं इसमें, अभी आलू में भी डालूंगी। ये सारी चीजें अच्छे से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल इसको सुखा कीमा बनाना है। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और भून ली हूँ मैं इसको, और ये बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी कीमा बना है। तो ये कटलिस की फिलिंग बन के तैयार हो गई है, देख सकते हैं आप लोग। तो फ्लेम को ऑफ कर दूंगी मैं, और जो आलू गला लिए थे आलू का जो है मैश करना है। तो एक खीमा बन के तैयार हो गया, अब इसको साइड में रख दूंगी। तो ये देखिए आलू अच्छे से गल गए हैं, अब इसका सारा छिलका निकाल के इसको अच्छे से मैश कर लेना है। तो ये देखिए आलू को अच्छे से छील ली हूँ, अब इसको अच्छे से मैश कर लेना है इस तरीके से। तो सारे आलू को अच्छे से मैश कर ली हूँ मैं, देख सकते हैं। इसमें बाकी की चीजें डाल दूंगी। तो ये आलू अच्छे से मैश हो गए, अब इसमें बाकी की चीजें डाल दे रही हूँ मैं। फिर तो हरी मिर्च इस तरीके से बारीक कट करके डाल रही हूँ, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, तो चाट मसाला, काली मिर्ची डाल दी मैं। ये चावल का आटा है, इससे क्या है बहुत क्रिस्पी होते हैं और बहुत बैंडिंग बहुत अच्छी होती है। तो 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं चावल का आटा। आप लोग चाहे तो कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत क्रिस्पी बनते हैं। और ये चिली फ्लेक्स 2 टीस्पून। नमक मैं आलू गलाते टाइम डाली थी तो वो हिसाब से डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए। और एक नींबू डाल रही हूँ मैं। तो एक नींबू डाल रही हूँ मैं। खीमे में भी एक नींबू डाली थी तो वो हिसाब से डालिए आप लोग नींबू। कोथमीर पुदीना, और ये देखिए टोस्ट का भूरा, इसको ग्राइंड कर ली थी मैं। तो ये थोड़ा अभी डालूंगी, थोड़ा कटलीस फ्राई करते टाइम डालूंगी। तो ये भी 2 टेबल स्पून फुल डाल रही हूँ। अब ये सारी चीजें अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको इस तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से अच्छे से मैश कर ली हूँ मैं, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे खीमा भी रेडी है फिलिंग के लिए, तो मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद फ्राई करूंगी। तो ये देखिए इस तरीके से आलू लेके
अपने हिसाब से खीमा इसमें फिल करके इसको अच्छे से पैक कर लेना है फोर साइड से इस तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से अच्छे से पैक कर दी हूँ मैं। अब इसको फ्राई करने के लिए रख दूंगी, इसमें डिप कर लेना है। ये जो टोस्ट का भूरा मैं पीसी थी इसमें डिप करना है इसको इस तरीके से। इससे क्या है और क्रिस्पी कटलीज बनते। और इसको मैं शेलो फ्राई कर रही हूँ, आप लोग चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मगर शेलो फ्राई में अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। तो इस तरीके से सारे कटलीज को बना लूंगी मैं। तो इस तरीके से देखिए कटलीज को बना रही हूँ मैं। सबसे पहले ये डाली थी इसको टर्न कर लूंगी और ये देख सकते हैं आप लोग कितना गोल्डन फ्राई हुआ है और बहुत ही क्रिस्पी भी है। ये देखिए कितना क्रिस्पी है। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना, फिर बहुत अच्छे से फ्राई होते आलू। इसको फुल पे फ्राई करें तो अंदर पूरा कच्चा रहता है। और थोड़ा थोड़ा तेल डाल के इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए इस तरीके से अच्छे से गोल्डन फ्राई कर ली हूँ मैं। अब इसको एक प्लेट में निकाल दूंगी। ये देखिए दोनों साइड से कितना अच्छा फ्राई हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये रेसिपी जरूर पसंद आएंगी। आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी रेसिपी बनती है ये। तो ये देखिए इसको प्लेट में निकाल दी हूँ मैं और ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत यम्मी कटलीज बने हैं। आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट्स करके जरूर बताइए रेसिपी कैसी दिखी। ये देखिए अंदर से भी एकदम सॉफ्ट, ये देखिए अंदर से कितने सॉफ्ट है, ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी है। तो अगर आपको रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी है तो जरूर शेयर कीजिए और जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।